आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी विद योर फैमिली. सो टूडेज क्रिएशन इज फ्रॉम पोएट्री माई हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. एज यू नो गवर्नमेंट हैज़ लेसन योर 30% सिलेबस. सो इट इज़ नॉट योर 8th पोएम नाउ इट इज़ योर 6th पोएम. आई थिंक यू गॉट इट. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं सरकार ने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है और उसी के आधार पर ये अब आपकी 8वीं पोएम न होकर 6ठी पोएम है जिसको आज आप पढ़ेंगे. तो पोएम का टाइटल है माय हेवन जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देना चाहूँगी. रविंद्रनाथ टैगोर ये आधुनिक समय के एक महान साहित्यकार थे. साहित्यकार आज भी हैं. उनकी क्रिएशन को हम आज भी पढ़ते हैं. और ये बंगाली परिवार से थे एक सम्मानित और ब्राह्मण थे विशेष प्रकार के. और इनका जन्म 7 मई को हुआ था 1861 में. और इनको इनकी शुरुआती शिक्षा के लिए कलकत्ता के एक नॉर्मल स्कूल में भेज दिया गया था. और उसके बाद जब ये 10 ईयर्स के हुए तो 10 ईयर्स के होते ही इनको इंग्लैंड लंदन की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए भेज दिया था. इन्होंने एक लेखक के रूप में पोएम्स लिखी हैं, नॉवल्स लिखे हैं. नॉवल्स आप जानते हैं जिनको हम उपन्यास बोलते हैं. शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इन्होंने. प्लेज लिखे हैं. प्ले क्या होते हैं, जो नाटक होते हैं, ऐसे लिखे हैं. और समस्मरण लिखे हैं. एक राइटर होने के साथ साथ ये एक संगीतकार भी थे, पेंटर भी थे और एक महान विद्वान इनको हम कह सकते हैं, शिक्षाविद कह सकते हैं जो ये थे. अपना एक इनका सपना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें. और उस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने शांति निकेतन. इनका एक उपनाम भी था जिससे लोग इन्हें पुकारते थे, वो इनका नाम था रवि. रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम रवि था. इन्होंने अपनी ग्रेट क्रिएशंस के लिए 1913 में नोबल प्राइज लिया था. और ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबल प्राइज मिला था. इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी. और इनकी क्रिएशंस इतनी अच्छी जानी जाती थी कि दो देशों ने इनकी क्रिएशन को अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था. एक तो आप जैसे इंडिया का ही जानते हैं राष्ट्रगान जिसका जो है जन गण मन. और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान था अमार सोनार बांग्ला. ये भी जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. तो दो देशों के जो नेशनल एंथम है वे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था. और 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी. ये इनके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है. अब मैं पोएम का बैकग्राउंड आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ. ये जो पोएम है ये देशभक्ति से पूर्ण है. पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है. और इस पोएम में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 1941 में, यानी कि 1941 में मर चुके थे. और हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में. तो अपने उस टाइम पे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ी हुई थी. तो उसी दौरान जो ये पोएम लिख रहे थे, ये जो पोएम उठाई गई है ये गीतांजलि इनके क्रिएशन है उससे ली गई है. जो एक बहुत ही स्मरणीय इनकी क्रिएशन है गीतांजलि, उससे ली गई है. और इस पोएम में जो रविंद्रनाथ टैगोर है वे अपने देश के लिए कुछ लाइनें लिखते हैं देशभक्ति से पूर्ण होकर. और वे क्या कहते हैं कि मेरे देश जब तू आज़ाद हो, या ईश्वर से कामना करते कि हे ईश्वर जब मेरा देश आज़ाद हो तो कैसा हो, किस तरह से वहाँ के निवासी हो, कैसे वहाँ के लोगों की सोच हो, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वे एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान से कामना कर रहे हैं कि मेरे देश को जब आज़ादी मिले ना तो हर तरह से ही आज़ादी मिले. ये जो छोटी सोच है उसकी कि भाई जात पात की और रंग रूप की, धर्म की, इन चीज़ों से भी उसे क्या मिल जाए, बिल्कुल आज़ादी मिल जाए, मेरा देश शिक्षित हो, यहाँ के लोग सबके लिए सोचे, सबके लिए जो भी करे सबके लिए करे, ये सारी उनकी यहाँ पर ईश्वर से कामना है. तो शुरू करते हैं पोएम को. देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर
एंड द हेड इज हेल्ड हाई। क्या कह रहे रविंद्रनाथ टैगोर? कह रहे कि हे ईश्वर, मेरा देश ऐसा देश बन जाए, इतने स्वतंत्रता के बाद इतना ज्ञान मेरे देश के लोगों में आ जाए कि यहाँ के जो लोग हो वे डर रहित हो, उनके अंदर किसी तरह का डर न हो, और उनके जो सर हो, सर से मतलब सम्मान, उनका जो सम्मान हो हेल्ड हाई, सर को ऊंचा कब उठाया जाएगा? ये कह रहे हैं कि उनके जो सर हो वे ऊपर उठे हुए हो। ऊपर उठा हुआ सर से मतलब क्या है कि सम्मान से भरपूर हो, उन्हें सम्मान को हासिल करे। मेरा देश हर जगह सम्मान हासिल करे, यहाँ के लोग हर जगह सम्मान हासिल करे, कोई भी ऐसा काम ना करे कि उनको सर को झुकाना पड़े, उनको अपमान को सहना पड़े। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ना तो उनके अंदर किसी तरह का डर हो और ना ही उनके सर झुके हुए हो, बल्कि उनके सर उठे हुए हो, उनका सम्मान हाई लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा मेरे देश का सम्मान हो चारों तरफ, और फियर किस चीज़ का ना हो, किसी चीज़ से ना डरे कि ये मेरे ऊपर ये जो है मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा ये देश, ये आदमी बड़ा है, ये लोग बड़े, ऐसी कोई भावना किसी भी देशवासी के अंदर ना हो, वे डर रहित हो। सच अगर वे सही है तो डरे नहीं, सही के लिए हमेशा लड़े। आगे देखिए, वेयर नॉलेज इज फ्री, क्या कहते हैं कि मेरा देश ऐसा देश हो कि जहाँ पर नॉलेज ज्ञान इज फ्री, स्वतंत्र हो, वो किसी भी तरह की बेड़ियों में न जकड़ा हुआ हो। जैसे आपको मालूम हो पुराने समय में क्या होता था, केवल आर्य जो लोग होते थे उनको ही अधिकार था, या जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको अधिकार था उच्च शिक्षा को पाने का। अगर आपने महाभारत देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो कर्ण थे और जो एकलव्य थे, द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि वे उच्च कुल के नहीं थे, वे आर्य नहीं थे और ना ही ब्राह्मण थे, इसीलिए उनको जो है उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे देश से गायब हो, स्वतंत्र हो जाए शिक्षा भी, हर किसी का अधिकार हो शिक्षा पर, शिक्षा बंधी ना हो किसी भी प्रकार की बेड़ियों में, सब शिक्षा का अधिकार सभी का हो, सब बच्चे शिक्षा को पाए, ऐसा मेरा देश बन जाए, रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। आगे देखते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वेयर, जहाँ पर वर्ल्ड से यहाँ पर मतलब जो लगाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो लगाया है अपने देश से, ठीक है। वैसे वर्ल्ड का जो मतलब होता है वो संसार होता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो यहाँ पर इसका मीनिंग ले रहे हैं, वो ले रहे हैं किससे, अपने देश से, कि जहाँ पर जो मेरा देश हो वो क्या हो, हैज़ नॉट ब्रोकन, वो टूटा हुआ ना हो, ब्रेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किए, तोड़ा न गया हो। अगर आप ध्यान दे रही हो तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है, हैज के साथ बीन आया है और थर्ड फॉर्म आई है, तो जहाँ पर इस देश को तोड़े ना गया हो, ब्रोकन अप यानी कि तोड़ा न गया हो, उसको टुकड़ों में न बांटा गया हो, है ना, इंटू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट होती है छोटे छोटे टुकड़े, कि जहाँ पर देश को छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा गया हो। कैसे छोटे टुकड़े, कि भाई ये मेरा राज्य है, ये उसका राज्य है, ये हमारा इलाका है, ये उसका इलाका है, ये जो है भाई हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस तरह की छोटे छोटे टुकड़ों में देश को न बांटा गया हो, पूरा भारत एक बने, सब भारतवासी भाई बहन बने, ना कोई जात हो, ना कोई धर्म हो, ना कोई रंग हो, ना कोई रूप हो, ना ही कोई सीमा का कोई बाउंड्री, पूरा देश मेरा एक बन जाए, किसी तरह से मेरा देश कटा हुआ टूटा हुआ न हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, देखो नैरो डोमेस्टिक वॉल का जो मीनिंग होता है, बाय मीन्स द्वारा, नैरो यानी कि संकीर्ण या छोटी, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और वॉल्स यानी कि दीवार, लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग यहां पर निकल रहा है कि जहां पर मेरा देश, नैरो डोमेस्टिक वॉल से मतलब क्या है, रंग रूप जाति संप्रदाय, इन चीज़ों में ये जो छोटी छोटी जो छोटी सोच वाली जो दीवारें हैं, जिनको इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, छोटी घरेलू दीवारें, यानी कि क्या कि छोटी सोच वाली जो बातें हैं, इससे यहाँ पर इनका मीनिंग लिया गया है, छोटी सोच वाली बातें, इनमें मेरा देश बिल्कुल भी टुकड़ों में न बटा हो, इन छोटी सोच वाली बातों से मेरा देश, ये जो मेरा देश है, ये बांटा न गया हो छोटे छोटे टुकड़ों में, कि भाई हम मुस्लिम के यहाँ नहीं जाएंगे, हम हिंदू के यहाँ नहीं जाएंगे, हम इसका साथ नहीं देंगे, हम तो अपनी जाति का ही साथ देंगे चाहे वो कैसी भी हो, जात पात धर्म रंग रूप संप्रदाय, इनमें मेरा देश बिल्कुल भी बटा हुआ
मैं हूँ, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि लोग क्या करें, शिक्षित हो, शिक्षा पाए और इस छोटी सोच से ऊपर निकले। सही, अगर कोई सही है तो उसका साथ दे, किसी चीज़ का डर उनके अंदर ना हो और सम्मान के साथ अपने सर को उठा सके। जब ये सही करेंगे, सब कुछ सही सही करेंगे तो उनके सर भी क्या होंगे, सम्मान से ऊँचे होंगे। आगे देखिए, वेयर द वर्ड्स कम फ्रॉम कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। वेयर, मेरा देश ऐसा होना चाहिए ईश्वर, जहाँ जहाँ क्या हो, जो शब्द हो, शब्द से मतलब बातें, विचार, ठीक है, शब्द कम आउट, बाहर आए, विचार बाहर आए, बातें बाहर आए, फ्रॉम से द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, डेप्थ होती है गहराई, ऑफ ट्रुथ सच्चाई की। मेरा देश ऐसा होना चाहिए ईश्वर कि जहाँ पर जो भी इंसान बोले, जो भी व्यक्ति बोले, व्यक्ति जो भी बोले, मेरे देशवासी जो भी बोलता है, वो सच्चाई की गहराई से बाहर आना चाहिए। मतलब उसके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए, उसे किसी का भय ना हो, वो बिल्कुल झूठ ना बोले। अगर कोई सही है तो सही का ही वो साथ दे, इन छोटी छोटी सोच में वो न बटे कि ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा राज्य है, इन चीज़ों से वो ऊपर उठे, बस ये देखे कि पूरा मेरा देश है, ये सब मेरे देशवासी है। और अगर कोई देशवासी किसी देशवासी के गलत कर साथ गलत कर रहा है तो मुझे उसे रोकना है, उसे समझाना है, ये सारी चीज़ें मेरे देशवासी सीख जाए। उसकी जो भी वो बोले बिल्कुल सच बोले, सच्चाई की गहराई से बोले, मतलब पूरा पूर्ण रूप से सच बोले वो। वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचिंग इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन। आप देखिए क्या कह रहे हैं, जहाँ पर मेरा देश ऐसा हो ईश्वर, जहाँ पर टायरलेस का मीनिंग होता है निरंतर, जो कभी नहीं रुकता, चलता रहता है लगातार, जिसका मीनिंग होता है, स्टार्विंग होता है संघर्ष, ठीक है, जहाँ पर जो लगातार होने वाला जो संघर्ष है, ठीक है, जहाँ पर जो लगातार होने वाला जो संघर्ष है वो क्या करे, फैलाए, ठीक है, स्ट्रेचेज होती है फैलाना, स्ट्रेचेज फैलाना, इट्स आर्म अपनी भुजाओं को टुवर्ड यानी कि तरफ, परफेक्शन यानी कि पूर्णता, यानी कि जब सब कुछ ठीक हो जाए, उत्तमता जिसे आप कह सकते हैं, कि जहाँ पर जो मेरे देशवासी ऐसे हो जो निरंतर क्या करते रहे, प्रयत्न करते रहे, संघर्ष करते रहे, और संघर्ष के साथ वे क्या करे, अपनी भुजाओं को फैलाए। भुजाओं को फैलाने से मतलब है कि वे करते रहे, लगातार करते रहे, रुके नहीं, टुवर्ड किस तरफ, परफेक्शन यानी कि उत्तमता, संपूर्णता, जब तक कि वे किसी चीज़ को हासिल न कर ले, पूर्ण न कर ले, तब तक वे क्या करते रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे, बिल्कुल भी उनके हाथ रुकने नहीं चाहिए, वे फैले हुए होने चाहिए, वे उनमें लगे रहे, काम करते रहे, जब तक कि वे जो भी काम करने चले उसको पूर्ण रूप से सही न कर दे, उत्तम न बना दे, तब तक मेरे देशवासी बिना रुके अथक प्रयास करते रहे। ये यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, कि हे ईश्वर मेरा देश ऐसा बना दो तुम, जहाँ पर जो एक क्लियर स्ट्रीम है, यानी कि जो एक शुद्ध, क्लियर मीन्स शुद्ध या पवित्र या स्वच्छ, धारा, स्ट्रीम मीन्स धारा ऑफ रीजन, रीजन मीन्स होता है बुद्धि, तर्क या विवेक, मतलब बुद्धि कह सकते हैं आप, कि जहाँ पर बुद्धि की जो साफ धारा है, स्वच्छ धारा है, बुद्धि को यहाँ पर एक धारा से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, कि जहाँ पर जो ये बुद्धि रूपी स्वच्छ धारा है जो इंसान को देकर भेजा है ईश्वर ने सबको तर्क दे के भेजा है, विवेक देकर भेजा है, सोचने समझने की शक्ति देकर भेजी है, जो एक स्वच्छ धारा एक तरह से, वो न खोए, वो लॉस्ट मीन्स खोना, वो न खोए इट्स वे अपने रास्ते को। रास्ता क्या है, कि हमें सब कुछ सही करना है, बुद्धि तभी तो दी है एक इंसान, तभी तो है बुद्धिजीवी, तभी तो कहते हैं किसी इंसान को, जब वो सही सोच सके, बुद्धि का इस्तेमाल कर सके, बुद्धि से सही काम कर सके। तो क्या कह रहे हैं, कि जो एक क्लियर स्ट्रीम दी है भगवान ने बुद्धि रूपी या तर्क रूपी, वो अपना रास्ता ना खोए, रास्ता ना खोए, यानी कि भाई मेरी जाति तो ये है, मुझे तो इसके साथ रहना है, मेरा धर्म ये है, मुझे तो इस धर्म को मानना है, मैं तो को छोड़ूंगा नहीं, मेरे धर्म के साथ ये कर दिया, मेरे धर्म के साथ वो कर दिया, मेरी जाति के साथ ये कर दिया, इन चीज़ों में बंध के भी अपना रास्ता न खोए। उनको पता है कि भाई बुद्धि है तो उसका यूज करे, कि भाई सही क्या है, सही क्या करना है हमें, ये सब कौन कह रहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे कि मेरे लोगों को इतना शिक्षित करो भगवान,
इतना समझदार बनाओ मेरे देश को कि जब वो स्वतंत्र हो तो हर तरह से ही स्वतंत्र हो। देश की जो भूमि रूपी स्वतंत्रता है, केवल वो ही नहीं, इंसानों के माइंड को भी स्वतंत्र करो। इन सारी चीज़ों से, जात पात धर्म, इन सब से आप मुक्त कर दो, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि वो जो धारा है वो अपना रास्ता ना खोए। किन चीज़ों में रास्ता ना खोए? देखिए, इन टू द ड्रीरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट। अब क्या कह रहे हैं कि इनटू यानी कि में, इनटू यानी कि में, और ड्रीरी होता है उबा देने वाला, या जिसको आप कह सकते हैं बुद्धिहीन। यहाँ पर इसका दूसरा मीनिंग निकलता है बुद्धिहीन। वैसे नीरस होता है इसका मीनिंग, लेकिन पोयम के अकॉर्डिंग जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो है बुद्धिहीन। कि जहाँ पर जो ये बुद्धि की जो ये क्लियर धारा ईश्वर ने हमें दे के भेजा है, वो अपना रास्ता ना खोए। किस में ना खोए? बुद्धिहीन जो रेगिस्तान है ये, उसकी जो रेत है उसमें अपना रास्ता ना खोए। उसकी रेत में जो ये पड़ी हुई ये डेड हैबिट्स है। डेड हैबिट्स यानी कि पुरानी परंपराएं, वर्षों से चली आ रही जो हमारे रीति रिवाज है, रेत में जो ये पड़े हुए हैं, रेत रूपी जो पुरानी परंपराएं हैं। रेत से कंपेयर किसको की है? पुरानी परंपराओं को। यहाँ पर पोएट ने कह रहे हैं कि मेरे देशवासी अपनी बुद्धि को ऐसे ही न इधर उधर भटकाए इन चीज़ों पर। किन चीज़ों पर? ये पुरानी परंपराएं हैं और जो बिल्कुल बुद्धिहीन लोगों का काम है, और जो एक रेगिस्तान की तरह है, उनमें अपनी अपनी बुद्धि को वेस्ट न करे। कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को जो बुद्धि रूपी जो धारा, क्लियर धारा ईश्वर ने देकर भेजा है, उसका रास्ता न खोए। इस नीरस रेगिस्तान रूपी जो रेत है, रेत रूपी जो ये पुरानी परंपराएं, नीरस रेगिस्तान की रेत रूपी जो परंपराएं हैं, उनमें अपना रास्ता न खोए। आगे देखिए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द थी इनटू एवर वाइडिंग थॉट्स एंड एक्शंस। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बनाओ आप जहाँ पर जो ये माइंड है, माइंड यानी कि बुद्धि या हमारा दिमाग, ठीक है, जहाँ पर हमारा दिमाग इज लेड, उसका मार्गदर्शन किया जाए, उसका पथ प्रदर्शन किया जाए, मार्गदर्शन किया जाए फॉरवर्ड और, ठीक है, अब फॉरवर्ड आगे की ओर बाय थी यानी कि तुम्हारे द्वारा, हे ईश्वर तुम्हारे ही द्वारा, जहाँ पर जो दिमाग है लोगों के, उनका मार्गदर्शन आगे की ओर, मतलब उन्नति की ओर उनका मार्गदर्शन किया जाए, स्वयं तुम्हारे द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा। इनटू एवर वाइडिंग, इनटू यानी कि में, एवर वाइडिंग यानी कि सदा जो विस्तृत होती रहती है, जो बढ़ती रहती है, ऐसी थॉट्स एंड एक्शंस, और ऐसे एक्शंस में, हे ईश्वर मैं तुमसे ये कामना करता हूँ, ये तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देशवासियों को तुम ऐसा बनाओ, मेरे देश को ऐसा बनाओ जहाँ पर जो मेरे देशवासियों के जो दिमाग है वे स्वयं तुम्हारे द्वारा ही आगे की ओर अग्रसर किए जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए, और इस तरह से मार्गदर्शन किया जाए उनका कि जो उनके विचार है और जो उनके कार्य है वे हमेशा बढ़ते रहे, उनका कोई अंत ना हो, विचार शक्ति उनकी पूरी विस्तृत होती रहे, उनके कार्य भी बहुत बड़े बड़े होते रहे, बहुत अच्छी तरह से वे काम को करते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, ऐसा तुम मेरे देशवासियों को ईश्वर कर दो। लास्ट लाइन को देखेंगे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। आगे लास्ट में क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर? हे ईश्वर, ऐसे ही स्वर्ग रूपी देश में, मतलब जब तुम मेरे देशवासियों को ऐसा करा दोगे तो मेरा देश स्वर्गी तो बन जाएगा, तो स्वर्ग रूपी जो मेरा देश है, हेवन ऑफ फ्रीडम, तो ऐसे ही इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस स्वर्ग के, स्वतंत्रता के स्वर्ग में, यानी कि स्वतंत्रता वाले देश में, माय फादर, मेरे पिता, मेरे परमात्मा, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को क्या कर दो आप? जागरूक कर दो। क्या कह रहे हैं फिर से देखिए कि उस
स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में, यानी कि स्वतंत्र मेरे देश को क्या बना दिया अब आपने। जब लोग इतने जागरूक हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे, तो देश क्या हो जाएगा, वो तो एकदम क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। तो अपने देश को स्वर्ग कह रहे हैं यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, कि उस स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में हे परमात्मा तुम मेरे देशवासियों को, मेरे देश को क्या कर दो, जागरूक कर दो, उसके प्रति मेरे देशवासियों को जागरूक कर दो, कि फिर ये देश देश नहीं रहेगा, तब तो स्वर्ग हो जाएगा। तुम ऐसा मेरे देशवासियों को जागरूक कर दो, ऐसा उनको सिखा दो। आई थिंक आपको ये ट्रांसलेशन समझ आया होगा। अब मैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगी। थैंक यू, टेक केयर।